हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ क्रिसमस डेलिकेसीज। आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे चिकन कबाब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में हाफ कप दही डालेंगे, फिर एक टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे, एक चम्मच स्मोक्ड पेपरिका, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली, आधा चम्मच गार्लिक पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन के पीसेस डालेंगे। यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है, उसको अच्छे से कोट कर देंगे और 2 घंटे के लिए उसको रख देंगे। फिर 2 घंटे के बाद स्क्यूअर्स में मैरिनेटेड चिकन पीसेस को सेट करेंगे। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल या बटर गरम करेंगे और स्क्यूअर्स में सेट किए हुए चिकन कबाब्स को उस पर पकाएंगे। 10 मिनट्स तक एक साइड पे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और फिर 10 मिनट्स के बाद साइड चेंज करेंगे और फिर से 10 मिनट तक उसको पकाएंगे। हमारे चिकन कबाब्स रेडी हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। इन्हें पतले कटे हुए प्याज और कैप्सिकम के साथ सर्व करें और अगर आप उस पर चाट मसाला और नींबू लगा देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।